रुद्रपुर कोतवाल पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कल देर शाम रामपुरा चौकी पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रामपुर रोड पर AN झा इंटर कॉलेज के मैदान के पास दो संदिग्ध युवक खड़े हैं। सूचना पर रामपुरा चौकी प्रभारी अनिल जोशी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख अंधेरे में खड़े दो युवक भागने लगे। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा कर धर दबोच लिया। रामपुरा चौकी क्षेत्र का मामला है, इसमें कल सूचना आई थी कि दो व्यक्ति द्वारा जिनके पास ड्रग्स होना बताया जा रहा है, तो उसमें दोनों की तलाशी ली गई। उसमें उनके पास 10 ग्राम से ज़्यादा स्मैक होना पाया गया, तो इसमें दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तलाशी के दौरान दोनों युवकों से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम हरि मोहन और महेंद्र निवासी रामपुरा बताया। उन्होंने बताया कि वो नशे के आदी हैं और नशे की खेप यूपी के बिलासपुर से लाकर वो इसका प्रयोग करते हुए जो लोग नशे के आदी हैं उन्हें सप्लाई भी करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट।